नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आज के पाठ में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स भी एक विशेषण के प्रकार है, एडजेक्टिव के प्रकार, जो हमें बताते हैं कि जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं वो संज्ञा विशिष्ट है कि सामान्य है, या निश्चित है या अनिश्चित है। तो इसीलिए आर्टिकल्स भी दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है ध, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में है अ और एन। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बीच का अंतर समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स किसी ठोस चीज या इंसान की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे लिखा है द चेयर इज एक्सपेंसिव, यानी ये कुर्सी महंगी है, यानी एक विशिष्ट कुर्सी की बात हो रही है कि चित्र में जो कुर्सी है वो महंगी है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज या इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अनिश्चित है। जैसे यहाँ पे लिखा है अ साइंटिस्ट मेक्स डिस्कवरीज, यानी एक वैज्ञानिक चीजों की खोज करता है। यहाँ पे कोई भी वैज्ञानिक हो सकता है, हम किसी निश्चित वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अ का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में कुछ और जानते हैं। हम अब पता करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स का हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी ठोस या निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, तब। जैसे द बाइसिकल यू वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, यानी आपको जो साइकिल चाहिए थी वो अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें हम किस साइकिल की बात कर रहे हैं जो आपको चाहिए, इसीलिए वो निश्चित हो गई। द एफिल टावर इज मेड ऑफ स्टील, यानी एफिल टावर स्टील का बना है। यहाँ पे हम किस टावर की बात कर रहे हैं, एफिल टावर, यानी हम किसी निश्चित टावर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ध यूज किया है। और द इलियाड इज अ फेमस बुक, यानी इलियाड एक फेमस किताब है। यहाँ पे हम किस किताब की बात कर रहे हैं, इलियाड। वापस हम एक निश्चित किताब की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ध का इस्तेमाल किया है। फिर when a singular noun is meant to represent the whole class, इसका मतलब है जब किसी सिंगुलर संज्ञा से या सिंगुलर नाउन से पूरे वर्ग का बोध होता है, तभी भी ध यूज किया जाता है। इसे उदाहरण से हम बेटर समझ पाएंगे। द रोज इज वेरी फ्रेग्रेंट, यानी गुलाब काफी खुशबूदार है। यहाँ पे रोज शब्द सारे गुलाबों का बोध कर रहा है, यानी एक शब्द पूरे वर्ग का बोध कर रहा है, इसलिए हमने ध यूज किया है। आई नो हाउ टू प्ले द पियानो, यानी मुझे पियानो बजाना आता है। यहाँ पे भी पियानो शब्द सारे पियानो जो दुनिया में उनका बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ध यूज किया है। फिर बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके प्रकार की वो एक ही चीज है, तो उनके पहले भी हम ध यूज करते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। द स्काई इज ब्यूटिफुल, यानी आसमान सुंदर है। अब आसमान एक ही होता है, वैसे ही द अर्थ इज राउंड, यानी धरती गोल है। अब यहाँ पे धरती भी एक ही है। विथ सुपरलेटिव्स, याद कीजिए हमने सुपरलेटिव्स को पिछले लेक्चर में पढ़ा है। उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट रनर, यानी उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला है। तो फास्टेस्ट यानी सबसे तेज दौड़ने वाला, तो उसके पहले भी हमने ध यूज किया। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन, यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो उस टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंचा, उसके पहले भी हमने ध यूज किया। ऑर्डिनल्स के साथ, अब शायद आपको ऑर्डिनल्स पता नहीं होंगे क्या है, इसके बारे में हम इसी लेक्चर के अंत में एकदम अच्छे से समझेंगे, अभी आप उदाहरण से समझ लीजिए।
अकबर वॉज द थर्ड मोगल एम्परर। थर्ड यहाँ पे ऑर्डिनल है जो बताता है तीसरा। अकबर तीसरा मोगल एम्परर था, तो उसके पहले ध यूज किया। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। 11th यानी 11वें, तो उसके पहले ध यूज किया। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, इसका मतलब है कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें विशेषण होते हैं, बट वो विशेषण किस संज्ञा का वर्णन कर रहे हैं वो बताया नहीं होता, बट वो स्पष्ट होता है, यानी हम आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे विशेषणों के पहले जो जिस संज्ञा का वर्णन कर रहे हैं वो स्पष्ट है, बट वो संज्ञा वाक्य में है नहीं, उनके पहले भी ध यूज किया जाता है। तो चलिए उसे उदाहरण से समझते हैं। द पावरफुल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें जिम्मेदार भी होना चाहिए। अब द पावरफुल ये एक विशेषण है, पावरफुल विशेषण है, ये किस संज्ञा का वर्णन कर रहा है? इंसानों का। जो इंसान शक्तिशाली है उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। तो यहाँ पे संज्ञा काफी स्पष्ट है, तो इसलिए सिर्फ विशेषण यूज किया है पावरफुल, तो उसके पहले ध का इस्तेमाल किया। द यंग शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी बच्चों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यंग यानी जवान या बच्चे, तो वो किस संज्ञा का वर्णन कर रहे हैं? वापस इंसानों का, जो जवान बच्चे जवान इंसान होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे वापस यंग विशेषण से हमें पता है किस संज्ञा का वर्णन कर रहा है, तो उसके पहले हमने ध का इस्तेमाल किया। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, अ और एन। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि कब अ यूज करना है और कब एन, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो कब एन यूज करना है वो उस संज्ञा के आवाज से पता चलता है। तो अगर संज्ञा का नाम एक वॉवेल की आवाज से शुरू होता है तो आप एन यूज करेंगे। वॉवेल की आवाज क्या है? AEIOU, ये पांच वॉवेल्स है, तो इनकी जो आवाजें हैं उस आवाज से अगर वो संज्ञा का नाम शुरू होता है तो आप एन यूज करेंगे। यहाँ पे है एन ऑनेस्ट बॉय, यानी एक ईमानदार लड़का। अब ऑनेस्ट शब्द एच से शुरू होता है, पर उसमें एच साइलेंट होता है और आवाज आती है ओ की, ऑनेस्ट, तो इसीलिए एन यूज किया जाता है क्योंकि आवाज है एक वॉवल की। और अ हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स भी एच से शुरू होता है लेकिन आवाज है ह की, तो इसलिए वो वॉवेल की आवाज नहीं है, इसलिए अ यूज किया है। तो अब आप समझ गए होंगे अ कब यूज करना है और एन कब यूज करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहले जब व्हेन द पर्सन और थिंग रेफर्ड टू इज अनसर्टेन और वी गेट अ सेंस ऑफ एनी, यानी जिस वस्तु या व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो अनिश्चित है या जनरल है या सामान्य है। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, अब इसमें कोई भी छात्र हो सकता है, इसका अर्थ है कि किसी छात्र को मेहनत करनी चाहिए। अब ये किसी निश्चित छात्र की बात नहीं कर रहा, कोई भी छात्र हो उसे मेहनत करनी चाहिए, तो इसीलिए इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, अ स्टूडेंट यानी कोई भी स्टूडेंट। फिर वुड यू लेंड मी अ पेंसिल, यानी क्या तुम मुझे कोई पेंसिल दे सकते हो? यहां पे भी कौन सी पेंसिल ये निश्चित नहीं है, मुझे कोई भी पेंसिल दे दो, एक पेंसिल दो, ठीक है, तो इसलिए यहां पे भी इनडेफिनेट या अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। और जब हमें एक का बोध करना है, कोई चीज सिर्फ एक मात्रा में है या एक नाप में है, तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। इसका उदाहरण है 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। यहां पे मुझे 1 मीटर बोलना था, तो अ मीटर, उससे एक का बोध होता है। फिर आई गॉट अ लेटर टूडे, यानी मुझे एक चिट्ठी मिली आज, एक चिट्ठी,
तो इससे एक का बोध हो रहा है इसलिए अ यूज किया गया है। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने आर्टिकल्स के बारे में तो जाना, और अगले लेक्चर में हम इसे और भी ज्यादा गहराई में जानेंगे। हम ये देखेंगे अगले लेक्चर में कि आर्टिकल्स कहाँ इस्तेमाल नहीं करते। आज के लेक्चर के लिए कुछ विविध बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज के लेक्चर में हम कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स के बारे में बात करेंगे। कार्डिनल एक ऐसा नंबर है जिससे हमें संख्या का बोध होता है, जैसे एक, वन या थ्री यानी तीन, एट यानी आठ, दस, टेन यानी दस, वैसे। लेकिन ऑर्डिनल एक ऐसा नंबर है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु किसी लिस्ट में किस स्थान पर है। अब इसमें किस टाइप के नंबर्स है? फर्स्ट यानी पहला, सेकंड यानी दूसरा, थर्ड यानी तीसरा, और वैसे ही। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ऑर्डिनल्स बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 12 तक के ऑर्डिनल्स आपको याद रखने होंगे। 1 का ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, 2 का होता है सेकंड, 3 का होता है थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स्थ, 7 का सेवेंथ, 8 का एट्थ, 9 का नाइन्थ, 10 का टेंथ, 11 का इलेवेंथ, 12 का ट्वेल्थ और 13 का थर्टींथ। इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं? उस नंबर को लिखिए जैसे 1, उसके बाद उसके ऑर्डिनल के लास्ट दो अक्षर देखिए, यहाँ पे ST, वो उसके ऊपर डाल दीजिए, तो हो गया 1ST। वैसे ही 2, फिर ND, तो हो गया सेकेंड, फिर 3, फिर RD, तो हो गया थर्ड, और ऐसे ही हर नंबर के लिए लिखेंगे। फिर आप एक रूल याद रखिए कि किसी नंबर का अंत होता है Y में, जैसे 20, तो हम Y को IE से बदलते हैं और अंत में TH जोड़ देते हैं, तो 20 का ऑर्डिनल हो गया 20th। वैसे ही 40 का हो गया 40th और 50 का हो गया 50th, और 20 से लेके आगे जो भी नंबर्स है उनके ऑर्डिनल्स हम कैसे लिखते हैं? 21 हो गया, तो 20 को ऐसे ही लिखिए और 1 का ऑर्डिनल लिखिए, तो 21 का ऑर्डिनल हो गया 21st, 22 का हो गया 22nd, 23 का हो गया 23rd, वैसे ही 41 का होगा 41st, 43 का होगा 43rd, 56 का होगा 56th, तो वैसे ही आगे के ऑर्डिनल्स भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ यूनिट्स प्लेस में जो नंबर है उसका ऑर्डिनल लिखते हैं। 100 का हो गया 100th, 1000 का हो गया 1000th, और मिलियन का हो गया मिलियंथ। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में ऑर्डिनल्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।